के पंडित जी को रामायण, चार वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 उपनिषद को पूरा ज्ञान है, कहूँ से भी कहूँ पूछ लेते, और पंडित जी बिल्कुल मौका चीज बता दे। बिल्कुल सही। तो हम एक जो मालूम करवो चाहते, इनको आपको टेम कदर मिलू सब पढ़ हम बताए। कलाकार का अर्थ होता है जिसका बहुमुखी ज्ञान। बिल्कुल। कलाकार में ये नहीं कि केवल गीत सीख लो, उससे ये भी ज्ञान होना चाहिए कि ये टेबल कैसे बनेगी, ये भी ज्ञान होना चाहिए कि इसमें क्या लगा है, ये भी ज्ञान होना चाहिए कि ये पेंट है, ये भी ज्ञान होना चाहिए ये कुर्ता है। जब सभी ज्ञान हो जाएगा तो वो कलाकार कहलाएगा, अकेला गाने से कलाकार नहीं बना। बिल्कुल। तो उसका कारण बताता हूँ, कब पढ़े मैंने बता रहा हूँ। कक्षा 6 में पढ़ता था, सोमय दद्दा हमसे बोले, बेटा रामायण पढ़े कर द्वारे में, ब्राह्मण के बालक, तो 14 साल रामायण पढ़े। 14 और 6 20 वर्ष की उम्र तक रामायण पढ़ते रहे। अब जो से मिला सो तुम्हारे सामने, रामायण में सब कुछ उसकी आरती में लिखा है, चारों वेद पुराण अष्ट दस, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की आरत श्री रामायण। तो जब इन सब चीजों का निचोड़ हमें मिल जाएगा तो हमें क्यों नहीं ज्ञान होगा बेटा ये। फिर हमने हिंदी में अपने शर्म आए, चूंकि मैं संस्कृत कम जानता हूँ, या तो इंग्लिश जानता हूँ या हिंदी जानता हूँ। मैंने 1972 में इंग्लिश माध्यम से बायोलॉजी से पास किया फर्स्ट डिवीजन, 1972-73 में वही अंग्रेजी काम कर रही है। जब जिसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाई है वह है परम आदरणीय श्री अरविंद सिंह जी राजपूत, लोधी थे वो, भगवान करे वो जिंदा हों, और भगवान उन्हें बहुत लंबी उम्र दे। वो कहा करते थे कि बेटा जितना पढ़ो जितना सीखो अपने से बड़ों से कंपटीशन करो, उसमें ज्ञान बढ़ेगा। बिल्कुल। सो कक्षा 6 में पढ़ता था, वो 8वीं के लड़के से कंपटीशन करता था, पास होता था, नंबर मिलते थे। फिर मैंने किताबें मंगाई 108 शर्मा, सब हिंदी में, और हिंदी किसने लिखी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, नाम सुना आपने? बिल्कुल। देखा है? नहीं देखा तो नहीं, हमने देखा, ऐसे बैठे जैसे हम आप बैठे, कहाँ, हरिद्वार में, 1981-82 ये सौभाग्य में मिला। वहाँ रहे 3 वर्ष में, चित्रकूट में है, सालग्राम दास जी महंत थे उनके आश्रम में है। और काय के लिए, वो कहा करते थे बेटा एक भजन सुनाओ रात को 9 बजे, बस एक भजन गाना है रात को 9 बजे, उत्ते के लिए तुम यहाँ रह रहे। उस समय हॉस्पिटल नहीं बना था, आँखों का कुछ नहीं था, वहाँ मैदान था पूरा, पत्थर ही पत्थर डे थे इतने बड़े बड़े, हम चक्कर काय करते काम अधे थे। हमने कहा गुरु महाराज 5 चक्कर लगाए आए आज। उनने हमें सिखाया कि बेटा चक्कर नहीं, परिक्रमा कहा जाता है। तब हम परिक्रमा धीरे धीरे कहने लगे, हमें अच्छा बुंदेलखंड के पेता भाई थे देहाती आदमी, सो हम चक्कर काय करते कि चक्कर लगाए आए आज 5। एक दिन एक जीप भी हमने लगे थे सतगुरु सेवा संघ कृष्ण, 80 जीप यहाँ थे उस समय अरविंद मुफतलाल के, अब तो 150-200 है। सो एक जीप हमें दे रहा थे, बोले इससे बेटा तुम फिल्म देख पाओ, बजा लो। हम गए फिल्म देख, सो दूसरे दिन कर भी में हमने कहा आज 150 देख लो। सो 12:30 बजे छूटे। मैं संतों के समझाने का तरीका बता रहा हूँ तुम्हें, वो डायरेक्ट नहीं कहते कि देर क्यों हो गई तुम। बोले बेटा देशराज तुम आ गए, तुमसे बहुत जरूरी काम है। तुमने कहा है गुरु महाराज का, बोले हमारी घड़ी खराब होगी दिखा देंगे बेटा। कहा हुआ घड़ी में, बोले मैं 12:30 बजे, हमने 12:30 तो हमारी बज रहे। तो बोले तुम्हारा तो टाइम 9 बजे को है बेटा। ये समझाने का तरीका रहता था। तो उन्होंने इतना मनुष्य बनाया मुझे कि हद से ज्यादा मैं इंसान बन गया, और पूरी तरह से वेदों में घुस गया। गया क्यों था चित्रकूट,
बाबा हो गए केला में। सुबह बोले सालक रामदास जी तुम्हारा ब्याह होगा बेटा, हमने कहा होगा, तो बोले बाबा नहीं हो सकता तुम, हमने काय, बोले यही में जो अड़ंगा है कि अगर दूसरे की बिटिया घर में आ जाए तो तुम फिर बाबा नहीं हो सकते, तो हमने कहा हम छोड़ेंगे। अरे बोले को और बुरा छोड़ेंगे, अरे तो और बुरा हो। मैं 3 साल फिर विवाह 78, 79, 80 चित्रकूट में, कहाँ जानकी कुंड पर, वहाँ 78 में अटल बिहारी जी वाजपेयी आए थे, उस समय विदेश मंत्री थे जनता पार्टी के शासन में, तो रणछोड़ दास जी के दोनों शिष्य थे, सालक रामदास जी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों शिष्य थे। तो बोलो कि देशराज आपके विदेश मंत्री को बुला, तो मैंने गुरु भाई बुला लो, बहुत अच्छी बात है, अटल बिहारी वाजपेयी आए, हम उनके पाँव। तो बोले और बेटा तुम कैसे थे, हमारी गलती है, हम बाबा हो गए हैं। कोई बात नहीं, बहुत प्यार करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, अपना जैसा मानते थे, औलाद जो उनके हाथों ना तो औलाद जैसा मानते थे, लेकिन मनुष्य बहुत अच्छे थे। और ये मैं कह रहा हूँ कि तभी से मैं इनमें पढ़ा हूँ ज्ञान के चक्कर में। और एक बात और होती है, प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाता बिल्कुल, सबसे पहली होती है श्रद्धा, हम तुम्हें समझा।